बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं बच्चे आप लोग? आई होप के पिछले लेक्चर जो हैं वो आपको समझ आए होंगे। मैं हर दफ़ा यही पूछती हूँ, लेकिन मैं इस उम्मीद के साथ पूछती हूँ कि आप अपना हर लेक्चर जो है वो उसको रिवाइज़ करते होंगे, और उससे रिलेटेड जो भी आपके पास बुक में क्वेश्चंस हैं उनको आप एज अ प्रैक्टिस जो है उनको करते होंगे और उसको अंडरस्टैंड करते होंगे। लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आपके जो ट्यूटर हैं उनसे आप हेल्प ले सकते हो। उसके अलावा ये है कि मेरे लेक्चर्स को आप दोबारा से देखो तो आपको इंशाल्लाह ताला चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगी। हमने पिछली दफ़ा डायरेक्शनल डेरिवेटिव के हवाले से अपना लेक्चर शुरू किया था, और हमने कुछ चीज़ें उसके मुताबिक आपको बताई थी। अभी हम आज का लेक्चर जो है उसी को कंटिन्यू करेंगे और उनको आगे लेके चलते हैं। हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, आपको पता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि डायरेक्शंस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, और इसलिए वो उसकी डायरेक्शन जानना ज़रूरी है। उसी से आप उसका पाथ जो है वो डिटर्मिन कर सकते हो, उसकी मोशन को आप अपने कंट्रोल में रख सकते हो। उसके अलावा ये है कि अगर टाइम की बात भी की जाए तो टाइम भी फॉरवर्ड जा रहा होता है, सो उसको भी हम एज अ डायरेक्शन जो है कंसिडर कर सकते हैं कि आपका हमेशा टाइम जो है वो आगे की तरफ चल रहा है, और आप उसको जो है एक डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंगली उसकी डिस्क्राइब कर सकते हो। हमारे लिए जो है वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है हमारी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं जब हम वेक्टर फॉर्म में करते हैं तो वो सिंप्लीफाई हो जाती हैं, और इस तरह से हम इनकी बात आगे करने जा रहे हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स क्या हैं? डी, कैपिटल डी यू एफ क्या कहता है कि दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर यू, दिस इज इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ एफ। ठीक है, मैंने आपको पिछली दफ़ा ग्रेडियंट ऑफ एफ बताया था, ग्रेडियंट ऑपरेटर है। ठीक है, और ये इस जो है वेक्टर है, और एफ जो है वो इटसेल्फ जो है वो एक फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है। तो जब हम इस ऑपरेटर को एफ पे अप्लाई करते हैं तो हमें एक वेक्टर मिलता है। सो ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट प्रोडक्ट विद यूनिट वेक्टर यू, अगर हम इसका ये डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास ऑब्वियसली जो हमने पहले डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी, ऑब्वियसली हमने पिछली जो चीज़ें पढ़ी थी उनको आगे हम इम्प्लीमेंट करते चले जा रहे हैं, उनकी यूजेज जो है वो हम देखते जा रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जब आप ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एफ जब उसका डॉट प्रोडक्ट आप यू के साथ लेते हो तो आपको जो है वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर जो है वो आपको मिलता है। हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट आपको पता है कि इक्वल होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर एंड कॉस ऑफ थीटा, विच इज़ द एंगल बिटवीन ग्रेडियंट एफ एंड यू। ठीक है, और यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होगी। हमारे पास ये क्या है, ग्रेडियंट एफ की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा आ जाता है, जो कि थीटा जो है वो यू की डायरेक्शन और ग्रेडियंट एफ की डायरेक्शन के दरमियान का एंगल है। हमारे पास जो है ये इस तरह से, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, द फंक्शन एफ इंक्रीजेस मोस्ट रैपिडली। ठीक है, कि फंक्शन एफ इंक्रीजेस मोस्ट रैपिडली व्हेन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। आप देखिए कि जब कॉस थीटा जो है उसकी वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम -1 to 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 की जब कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी। हम कहते हैं कि फंक्शन एफ इंक्रीजेस मोस्ट रैपिडली व्हेन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 और व्हेन यू इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट एफ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जो यूनिट वेक्टर है, हम कहते हैं द डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ यू। ठीक है, तो जब आपका ये ग्रेडियंट और यू इनकी सेम डायरेक्शन होगी तो हमारा जो फंक्शन है वो उसकी इंक्रीज फंक्शन विल इंक्रीज मोस्ट रैपिडली। जब यू और डेल ग्रेडियंट ऑफ एफ की दोनों की डायरेक्शन सेम होंगी तो कॉस थीटा जो है वो थीटा 0 होगा, सो कॉस थीटा जो है वो इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, दैट इज एट ईच पॉइंट पी इन इट्स डोमेन। ठीक
ठीक है, ईच पॉइंट पी इन इट्स डोमेन। हम डोमेन की बात हमेशा करते हैं क्योंकि हम कंसर्न हमारा डोमेन के अंदर होता है, हो सकता है डोमेन से बाहर जो है वो हमारे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस ना हो या उनकी वैल्यू एग्जिस्ट ना करती हो, सो हम अपना डोमेन जो है वो हमेशा उसको कंसीडर करते हैं। सो एट ईच पॉइंट पी इन इट्स डोमेन एफ इंक्रीजेज मोस्ट रैपिडली इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट वेक्टर डेल एफ एट पी, ठीक है, के एफ इंक्रीजेज मोस्ट रैपिडली इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट वेक्टर, ठीक है, ये डायरेक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। हम ये कहते हैं कि पी पॉइंट की बात की है तो हम कहते हैं कि पी पॉइंट पे ये जो है वो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में ग्रेडियंट पी होगा। सो द डेरिवेटिव इन दिस डायरेक्शन इज द डेरिवेटिव इन दिस डायरेक्शन इज द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ इन द डायरेक्शन ऑफ यू, जो हमने लिखा तो ये आपकी है वैल्यू ग्रेडियंट ऑफ एफ की, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ जीरो। जब दोनों की डायरेक्शन यू और डेल एफ की डायरेक्शन जो है वो सेम होंगी तो एंगल आपके पास जीरो होगा, सो इट विल बिकम डेल ऑफ एफ, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल और द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट एफ है, ठीक है। सिमिलरली एफ डिक्रीजेस मोस्ट रैपिडली इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस डेल ऑफ एफ। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको पहले बताया है कि कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो 1 से -1 तक वेरी कर रही होती है, मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम 1 है। सो जब आपके पास जो है कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी तो आपका एफ डिक्रीजेस मोस्ट रैपिडली इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस, आप देखिए ये कैसे होगा, द डेरिवेटिव इन दिस डायरेक्शन इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ यू जो है वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड है और अब एंगल जो है वो बजाय जीरो के आपका एंगल पाए है। सो आपकी जब और ये माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ एफ, इट मीन्स के आपके पास जो ग्रेडियंट एफ है और यू की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हैं, ठीक है, जब अपोजिट डायरेक्शंस होंगी तो फिर आपका जो एफ है वो डिक्रीजेज मोस्ट रैपिडली, ठीक है, अदरवाइज जो है वो उसकी इंक्रीज या डिक्रीज जो है वो आपको देती है। एनी डायरेक्शन यू ऑर्थोगोनल टू अ ग्रेडियंट ग्रेड या डेल एफ वेयर डेल एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, आपके पास एक नॉन जीरो जो है ये फंक्शन है ग्रेडियंट एफ, तो आपके पास जो है एनी डायरेक्शन यू विच इज ऑर्थोगोनल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ इज अ डायरेक्शन ऑफ जीरो चेंज, ठीक है, कि जब आप सेम आपकी जो है वो ग्रेडियंट एफ और यू की डायरेक्शन सेम है तो आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीज मोस्ट रैपिडली, जब आपकी ग्रेडियंट एफ की ये डायरेक्शन है और आपकी यू डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन उसके अपोजिट है तो इट डिक्रीजेज मोस्ट रैपिडली, और लेकिन जब अगर परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है, आपका ग्रेडियंट एफ और आपका यूनिट वेक्टर जो है वो अगर ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाएं तो फिर कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है, सो इस साइड पे इंक्रीज करेगा, इस साइड पे फंक्शन ग्रेडियंट एफ जो है डिक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ पे जब परपेंडिकुलर होगा तो देर विल बी नो चेंज, तो डायरेक्शन ऑफ जीरो चेंज इन एफ, ठीक है, बिकॉज थीटा देन इक्वल्स टू पाई बाय टू एंड ग्रेडियंट डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ यू इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ पाई बाय टू, और कॉज ऑफ पाई बाय टू जो है वो जीरो होता है, सो वी गेट द आंसर इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब हम इसी हवाले से कुछ एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, फाइंड द डायरेक्शन इन विच एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाय टू प्लस वाई स्क्वेयर बाय टू इंक्रीजेस मोस्ट रैपिडली एट द पॉइंट 1 1, ठीक है, हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है जहां पे आपका जो है वो फंक्शन जो है वो मोस्ट रैपिडली इंक्रीज कर रहा हो, डिक्रीजेस मोस्ट रैपिडली एट 1, एंड व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ जीरो चेंज इन दिस। सो हमने जो अभी तीनों एग्जाम्पल तीनों डेफिनेशंस की उसको हम अगर यहाँ यूटिलाइज करें तो आप देखिए कि हमें मोस्ट रैपिडली जो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है वो क्या है, आपके पास जो है उसका डाइवर्जेंस जो है वो द डेरिवेटिव इन दिस डायरेक्शन इज दिस थिंग और एफ इंक्रीजेज मोस्ट रैपिडली इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट वेक्टर, ठीक है,
ग्रेडियंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी जब आपके पास, और डेरिवेटिव उस डायरेक्शन में आपको ये मिलेगा। इसी तरह से एफ डिक्रीजेज मोस्ट रैपिडली इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, और फिर आपके पास जो है उसमें उसका ग्रेडियंट आपके पास डेरिवेटिव उसका आपको ये मिलेगा, और ऑर्थोगोनल होगा तो फिर आपके पास ये वैल्यू आएगी। सो हम किस तरह से करते हैं इंक्रीज मोस्ट रैपिडली द डायरेक्शन, आपने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। सो डायरेक्शन जो है वो आपके पास क्या है, ग्रेडियंट एफ की जो डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर, जहां आपके पास वैल्यू, हम क्या करते हैं, हमें फाइंड आउट करना है, आपके पास है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस वाई स्क्वायर बाय टू। हम इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करना चाहेंगे एट द पॉइंट, आपको वन वन पॉइंट पे चाहिए ना, तो दिस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई प्लस एफ ऑफ वाई जे एट द पॉइंट वन वन। ठीक है, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, दिस इज इक्वल टू इसका, आपके पास फंक्शन ये गिवन है, सो हम इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और हम जब पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो हम वाई को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं तो ये डेरिवेटिव लेंगे, इसी तरह से एफ ऑफ वाई जब लेंगे तो हम एक्स को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे और हमारे पास वाई आ जाएगा। सो हमारे पास जो है ग्रेडियंट ऑफ एफ एट वन वन जो है वो आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे एट वन वन। ठीक है, वन वन क्या है, एक्स वन है वाई वन है, सो इट विल बी आई प्लस जे। ठीक है, तो आपके पास, तो ये आपके पास ग्रेडियंट की का वेक्टर आ गया, और आपके पास इंक्रीज फंक्शन विल इंक्रीज मोस्ट रैपिडली एट दिस पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो यूनिट वेक्टर अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास जो है यूनिट वेक्टर क्या होगा, वो सेम डायरेक्शन में होगा, दैट इज आई प्लस जे और इसकी मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या है, वन प्लस वन, और मैं इसको ले लूँ स्क्वायर रूट तो ये मेरे पास आ जाएगा, सो इट विल बी आई ओवर अंडर रूट टू प्लस जे ओवर अंडर रूट टू। सो दिस इज द डायरेक्शन इन विच एफ इज इंक्रीजिंग मोस्ट रैपिडली। ठीक है, अच्छा, डिक्रीज मोस्ट रैपिडली क्या है कि जब आपके पास आपका यूनिट वेक्टर जो है वो आपके पास माइनस यू होगा, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, सो दैट विल बी माइनस आई ओवर अंडर रूट टू माइनस जे ओवर अंडर रूट टू। ये आपका डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर है, इस डायरेक्शन में आपका फंक्शन जो है वो मोस्ट रैपिडली डिक्रीज करेगा। पॉइंट वही है, वन वन पे है, इसलिए क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया था, सो हमारे पास जो है वो ये एट दिस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे ये हमारा यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन है जहाँ पे आपका फंक्शन डिक्रीज करा। व्हाट आर द डायरेक्शंस ऑफ जीरो चेंज इन एफ एट वन वन। तो जीरो चेंज के लिए क्या है कि आपके पास कोई ऐसा वेक्टर होगा दैट विल बी द परपेंडिकुलर टू द ग्रेडियंट ऑफ एफ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लेट अस से हमारे पास वो यूनिट वेक्टर जो है वो कोई भी हम ले लेते हैं, हमारे पास ग्रेडियंट एफ जो है वो आई कॉमा जे आया है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही हमें फाइंड आउट करना है। सो मैं यहाँ पे इधर ही इसमें कर लेती हूँ कि लेट अस से लेट दैट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर एन है। ठीक है, और इसको मैं ले रही हूँ सम ए आई प्लस बी जे। जब आपकी डायरेक्शन जीरो चेंज है तो इसका मतलब यह है कि आपके पास ग्रेडियंट एफ एट पॉइंट वन वन डॉट एन जो है वो दैट विल बी जीरो। ठीक है, यही हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना। सो मैं इसको और इसका जब आपस में डॉट प्रोडक्ट लेती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स दैट ए इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, तो आपके पास यूनिट वेक्टर अब ये है। ठीक
ठीक है, और उसमें क्या है, मेरे पास यूनिट वेक्टर ये आ गया, ठीक है, और उसकी मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली वही होगी, लेकिन ये है कि अब ए और बी जो है वो एक दूसरे का रिवर्स है. सो मेरे पास कोई भी वेक्टर जो है जहाँ पे वो माइनस एन जो है वो मेरे पास हो सकता है आई माइनस जे, ठीक है, या आपके पास ये वेक्टर हो सकता है 1/√2 आई माइनस 1/√2 जे. एक ये वेक्टर हो सकता है, फिर माइनस आई √2 और प्लस जे √2. इस टाइप का कोई भी वेक्टर जिसमें एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, वो वेक्टर जो है इसके जो है परपेंडिकुलर होगा, और उसमें उस डायरेक्शन में आपकी चेंज जो है वो जीरो होगी. सो आपका जो एन वेक्टर है, चाहे आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, यहाँ पे आप देखिए कि अगर जब आप यू वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा, और आपके पास डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपको इसका जीरो मिलेगा. सो आपके पास कोई भी यूनिट वेक्टर जो इस डायरेक्शन में है वो आपको इसमें जीरो चेंज देगा. इससे आगे हम चलते हैं कि ग्रेडियंट, ग्रेडियंट्स एंड टेंजेंट्स टू लेवल कर्व. हमने आपको बताया था लेवल कर्व्स क्या होती हैं, जहाँ पे हमारे पास हम किसी कांस्टेंट वैल्यू पे कोई एक प्लेन लेते हैं, और इसी तरह से हम कोई सरफेस लेते हैं, तो वो हमारी लेवल सरफेसेस होती हैं जब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है. सो हम यहाँ पे आगे चलते हैं जहाँ हम ग्रेडियंट्स और टेंजेंट्स लेवल कर्व्स के हवाले से इसको देखेंगे. इफ़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू सी, ठीक है, यही बात मैंने आपसे कही थी ना कि जब आपके पास फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो आपको लेवल कर्व्स और लेवल सर्विसेज वगैरह मिलती हैं. सो इफ़ ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू सी अलॉन्ग अ स्मूथ कर्व, ठीक है, अगर एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी है अलॉन्ग अ स्मूथ कर्व, कोई भी कर्व ले लें, आर इज इक्वल टू जी टी आई प्लस एच टी जे, ये आपके पास एक स्मूथ कर्व है, और आपका अगर फंक्शन उस इस कर्व के ऊपर एक कांस्टेंट वैल्यूज की है, मेकिंग द कर्व अ लेवल कर्व ऑफ एफ, ठीक है, आपने उसको लेवल कर्व कर लिया. सो देन फंक्शन जी ऑफ टी एच ऑफ टी, एक्स फंक्शन ऑफ, ये है आपके पास एक्स के कंपोनेंट क्या है, आर के कंपोनेंट्स, आर के कंपोनेंट हैं एक्स आई प्लस वाई जे, और ये जो है ये आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट के साथ रिलेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट के साथ रिलेट हो गया. सो यू कैन राइट इट एज एफ जी टी कॉमा एच टी इक्वल टू सी. सो आप जो है उसको लेवल कर्व जब बनाते हैं तो ये आपके पास ये कंडीशन आ जाती है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं डी एफ बाई डी टी, तो हमारे पास क्या आता है, दिस गिव्स अस डी बाई डी टी ऑफ एफ, जो कि फंक्शन है अब जी एफ टी और एफ टी का, या एक्स वाई का फंक्शन है. सो आपकी जो राइट हैंड साइड है वो कांस्टेंट है, सो डी बाई डी टी ऑफ ए कांस्टेंट विल गिव यू जीरो, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, क्योंकि ये आपके पास जो है वो चेन रूल आप यूज़ करते हैं, सो आपके पास पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स, ये हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि एफ जो है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है, और ये जो टू वेरिएबल्स हैं ये फंक्शन ऑफ ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं. सो ये पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स है और डी जी बाई डी टी है, प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई और डी एच बाई डी टी, और ये क्योंकि कांस्टेंट है सो इट बिकम्स जीरो. सो आपके पास जो है वो ये इसको जब डिफरेंशिएट किया तो आपको ये इक्वेशन मिल गई, और अगर इसको हम देखें, और हमने ये पहले डॉट प्रोडक्ट का जो है डेफिनेशन और वो सारा कुछ हमने कर भी लिया हुआ है, अगर इसके साथ हमारी जो है वो आई यूनिट मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ अगर जे यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई हो इसके साथ है, और इसके साथ हम आई ले लें, इसके साथ जे ले लें, तो हम इस एक्सप्रेशन को डॉट प्रोडक्ट के साथ जो है वो उसको लिख सकते हैं. सो हम क्या करेंगे कि हम पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई जे डॉट प्रोडक्ट
ये डॉट प्रोडक्ट है डी जी बाय डी टी आई डी जी बाय डी एच बाय डी टी जे जो है हमने अपनी पिछली जो इक्वेशन है इसको इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट जो है लिख लिया है, और जो आपका राइट हैंड साइड है वो जीरो के इक्वल है. सो आपके पास ये क्या है, अगर आप रिकॉल करें तो दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ एफ. ठीक है, ये आपका ग्रेडियंट ऑफ एफ है, और ये आपके पास क्या है, अगर हम इसको रिकॉल करें तो ये डी आर बाय डी टी है, क्योंकि ये डी जी बाय डी टी और डी एच बाय डी टी साथ आई और जे भी इसी तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो ये डी आर बाय डी टी है. सो हमारे पास जो है ये दो एक्सप्रेशंस जो है इस फॉर्म में आ गए. सो क्या है कि डेल एफ इज नॉर्मल टू, ऑब्वियसली जब डॉट प्रोडक्ट जीरो हुआ तो इसका मतलब क्या है, दीज बोथ वैक्टर्स दे आर ऑर्थोगनल टू ईच अदर और दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, सो डेल एफ या ग्रेडियंट ऑफ एफ इज नॉर्मल टू द टेंजेंट वैक्टर. अब ये देखें, कोई भी कर्व है ये टेंजेंट वेक्टर बन रहा है ना. ठीक है, आप देखिए कि आपके पास कोई भी कर्व हो तो उस कर्व का जो टेंजेंट होता है वो उसका डेरिवेटिव लें तो वो टेंजेंट लाइन आपको मिलती है. सो इस कर्व में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई भी अगर आप ले लें तो ये उसकी हर इस पॉइंट पे उसकी टेंजेंट लाइन एक बनेगी, और ये जो है ये आपके पास नॉर्मल है टू द टेंजेंट वेक्टर डी आर बाय डी टी. तो ये इसकी डायरेक्शन आपको ये ब्लू कलर में दिखा रही है कि ये आपके पास ग्रेडियंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट है, और इस पॉइंट पे आप देखें यहाँ से आपको ये लाइन जो है उसकी टेंजेंट लाइन मिल रही है. सो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है, सो इट इज नॉर्मल टू द कर्व. ठीक है, जो आपकी कर्व बन रही है और टेंजेंट लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ वो है मूवमेंट है, सो आपके पास जो है ये ग्रेडियंट जो है वो दैट विल बी द नॉर्मल टू द कर्व. नोट that at every point x naught y naught in the domain of the differentiable function, ठीक है, at every point x naught y naught in the domain of a differentiable function f of x y, the gradient of f is normal to the level curve through x naught y naught. The gradient of f is normal, ठीक है, to the level curve through x naught y naught. आपने level curve की, level curve का मतलब क्या था कि आपने उस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स वाई को कांस्टेंट ले लिया था फॉर पर्टिकुलर, ठीक है, वो चेंज नहीं हो रहा था फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ जी. अगर हम उसको जी को लिखें जी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई तो जी आपका कांस्टेंट था, सो आपकी एक लेवल जो कर्व है वो मिल गई आपको. सो इस पॉइंट से आपको जो है वो ग्रेडियंट जो होगा वो दैट विल बी द नॉर्मल. दिस ऑब्जर्वेशन ऑल्सो एनेबल्स अस टू फाइंड इक्वेशंस फॉर टेंजेंट लाइंस टू लेवल कर्व्स. ठीक है, हमने जब ये कहा ना, ये यहाँ पे आप देखिए कि हमने ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, ये आपकी टेंजेंट लाइन है और ये आपका ग्रेडियंट है, सो देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो. तो लेवल कर्व्स के लिए हम टेंजेंट लाइन्स जो हैं उनकी इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं. So the observation also enable us to find equations for tangent lines to level curves. They are the lines normal to the gradients. ठीक है, ये these are the lines which are normal to the gradients. The line through the point P naught x naught y naught, line through the point P naught x naught, normal to a vector n, कोई भी vector आप ले लीजिए, ए आई प्लस बी जे उसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, इन आई डायरेक्शन इन जे डायरेक्शन, तो कोई भी वेक्टर है और एक लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड नॉर्मल टू ए वेक्टर हैज द इक्वेशन. ठीक है, कि आप उसका जो डॉट प्रोडक्ट है इसका ले लें, और ये जो है ये आपकी लाइन विच इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट दिस, तो आपके पास आपको पता है कि लाइन क्या होती है, लाइन में आपके पास कोई भी यहाँ पे ये पी नॉट हो गया, इसके x नॉट y नॉट ले लें, यहाँ पे कोई भी जनरल पॉइंट P हो गया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, तो हमारे पास ये क्या होगा, दिस इज x माइनस x नॉट और y माइनस y नॉट, इस लाइन की इक्वेशन है. तो ये लाइन और ये जो आपके पास वेक्टर है, या ये वेक्टर और n वेक्टर जो है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपके पास जीरो होगा. सो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो ये n वेक्टर है n डॉट p नॉट वेक्टर जो है वो आपके पास ये हो जाएगा n डॉट है ai
प्लस बी जे डॉट ये डॉट प्रोडक्ट है और ये है एक्स माइनस एक्स नॉट आई प्लस वाई माइनस वाई नॉट जे. ठीक है, यही है ना. अगर हम यहाँ कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें तो ये डिस्टेंस है एक्स नॉट, ये डिस्टेंस है एक्स, इसी तरह से ये डिस्टेंस है वाई नॉट और ये डिस्टेंस जो है वो आपके पास यहाँ पे ये वाई होगा. ठीक है, तो आपके पास ये आपके यूनिट वेक्टर जो है एक्स माइनस एक्स नॉट इन आई डायरेक्शन, ये आपकी आई डायरेक्शन है और ये आपका जे डायरेक्शन है. सो आपके पास जो है वो इस तरह से ये वैल्यू आपकी आ जाती हैं. सो इट विल बी इक्वल टू ए एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस बी वाई माइनस वाई नॉट. और क्योंकि ये दोनों ऑर्थोगोनल टू ईच अदर हैं सो देयर प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू जीरो, डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू जीरो. सो आपके पास ये जो है ये आपकी जो है टेंजेंट लाइन है. ठीक है, आपके पास जब आपको ये इस तरह से मिलेगी तो ये आपको टेंजेंट लाइन दे देगी. सो इफ एन इज द ग्रेडियंट. ठीक है, कि अभी तो हमने ये बात कर ली कि अगर हमारे पास ये दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हों तो हमारे पास ये इक्वेशन इस टाइप की आ जाती है. अब इसको अगर हम सपोज कर लें कि दिस इज द ग्रेडियंट एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट डेल ऑफ एफ एट एक्स नॉट वाई नॉट, अगर हम इसको इस तरह से करें तो हमारे पास ग्रेडियंट आप को पता है कि दिस इज पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट आई प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई एट एक्स नॉट वाई नॉट इन जे डायरेक्शन. तो ये आपके पास ग्रेडियंट है तो देन हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या आएगी, एफ ऑफ एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ वाई एक्स नॉट वाई नॉट वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू जीरो. यहाँ पे हमने ए और बी की जगह हमने ये रिप्लेस कर दिया. ठीक है, तो अब आपके पास जो है टेंजेंट लाइन की इक्वेशन जो है वो इस तरह से आ गई. सो इट इज ऑलवेज इजी टू फाइंड द टेंजेंट लाइन. ठीक है, किसी भी कर्व के साथ हमें अच्छा चलें हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. फाइंड एन इक्वेशन फॉर द टेंजेंट टू द एलिप्स एट द पॉइंट दिस. ठीक है, ये आपके पास फंक्शन है. ठीक है, और हमें उसके टेंजेंट जो है वो फाइंड आउट करना है. सो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू, हमारे पास लेवल कर्व क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई क्या आ गया, लेवल कर्व है ये आपके पास एक्स स्क्वायर बाय फोर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या आएगा, वो अगर हम इसको यहाँ पे चलें इतना इसी तरह से कर लेते हैं तो ये डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम वाई को कांस्टेंट पुट करेंगे तो यू वी विल गेट एक्स ओवर टू. इसी तरह से एफ ऑफ वाई हमारे पास आ जाएगा टू वाई और ग्रेडियंट एफ एट द पॉइंट माइनस टू वन ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू. आपके पास ये आ गई एफ ऑफ एक्स, अगर मैं यहाँ एक्स आई प्लस एफ ऑफ वाई जे तो ये आपके पास आ जाता है एक्स बाय टू आई प्लस टू वाई जे और ये पॉइंट हमने वही लिखना है माइनस टू वन, ये भी एट द पॉइंट माइनस टू वन और ये आपके पास हो जाएगा माइनस टू माइनस टू माइनस आई और वन है प्लस टू जे. तो ये आपके पास ग्रेडियंट की जो है वो वैल्यू आ गई. सो हमने इसकी ये आपके पास वेक्टर है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने टेंजेंट जो है लाइन इस इलिप्स की फाइंड आउट करनी है. सो हम क्या करेंगे, हम ग्रेडियंट ऑफ एफ एट द पॉइंट माइनस टू वन इसको लेंगे डॉट प्रोडक्ट विद एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स नॉट आपके पास क्या है वो है माइनस टू तो ये हो जाएगा प्लस टू आई
प्लस वाई माइनस वन जे और दिस इज इक्वल टू आपके पास है माइनस आई प्लस टू जे डॉट एक्स प्लस टू आई प्लस वाई माइनस वन जे एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू और प्लस टू y माइनस वन और क्योंकि टेंजेंट लाइन की बात हम कर रहे हैं तो दैट विल बी इक्वल टू जीरो. सो यहां से हमारे पास क्या आता है माइनस एक्स माइनस टू प्लस टू वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो और यह है माइनस एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू फोर. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन to the ellipse at this point, particular point minus 2, 1 और अगर इसको हम मैं आपको दिखाऊं तो देखिए कि ये आपके पास ellipse की कोई है फिगर, ठीक है, ये आपके पास ellipse है और ये पॉइंट आपके पास minus 2, 1 है. सो दिस इज द टेंजेंट लाइन जो अभी हमने कैलकुलेट की. यहाँ मैंने गालिबन minus 2, minus 2 आपके पास, जी बिल्कुल, ये आपके पास जो है x माइनस टू वाई माइनस फोर आ जाता है और इसका ग्रेडियंट की जो वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की वो आपके पास ये आ गई. सो आपके पास जो है वो यहाँ से इसको फिगर भी हमने बना के आपको बता दिया कि इस पॉइंट पे आपकी टेंजेंट लाइन क्या बन रही है. सो ये हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया. अभी ग्रेडियंट्स के हवाले से हमारे पास कुछ अलजबरा रूल्स हैं क्योंकि ग्रेडियंट जो है वो क्या है, डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, वेक्टर है जो कि ऑपरेटर है कि हम किसी भी फंक्शन का जब ग्रेडियंट लेना चाहते हैं तो हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं और उसकी जो है वो ऑपरेटर जो है वो इटसेल्फ वेक्टर है. सो हमारे पास जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल या उसके इंटरमीडिएट वेरिएबल होते हैं हम उनके विद रिस्पेक्ट टू दैट जो है वो हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं. सो सारे डेरिवेटिव्स के जो रूल हैं वो यहाँ पे भी अप्लाई होंगे. कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या है कि ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन मल्टीपल फंक्शन विद के, के इज अ सम कांस्टेंट जो है वो क्या होगा. अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये डेल kf, ठीक है, आपके पास जो है ये डेल जो है ग्रेडियंट जो है ये वेक्टर है, ये अगर मैं इसको देखूं तो क्या है पार्शियल बाय पार्शियल x i, ठीक है, प्लस पार्शियल बाय पार्शियल y j. अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल के f जो है वो फंक्शन है x कॉमा y का, टू डायमेंशनल है. अगर थ्री डायमेंशनल होगा तो एफ जो होगा फंक्शन होगा एक्स वाई और जी का. तो फिर हमने मैंने आपको बताया था फिर ग्रेडियंट जो है अगर ये थ्री अगर हम थ्री कंसीडर करते हैं तो फिर हमारे पास ये पार्शियल बाय पार्शियल जी ऑफ ये के हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा विद के एफ, ठीक है. हमारे पास यही चीज़ आती है ना कि अगर आपके पास अगर फंक्शन खाली ये था तो आपके पास ग्रेडियंट ऑफ एफ जो था वो दैट वाज पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी के यूनिट वेक्टर और ये क्योंकि स्केलर है तो स्केलर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो इट विल बिकम पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एफ आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई एफ जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल एफ बाय पार्शियल जी और ये के, ठीक है, क्योंकि आई जे के जो हैं यूनिट वेक्टर्स हैं, कांस्टेंट हैं. सो ये इस फंक्शन जो है एफ जो है वो फंक्शन है एक्स वाई जी का. सो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. तो ये जो था ये था एफ एक्स आई एफ वाई जे प्लस एफ सी के सबस्क्रिप्ट के साथ, इस तरह भी हम लिख सकते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास के जो है वो कांस्टेंट है. सो हम क्या करेंगे कि ये हो जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ के एफ आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ के एफ जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी के एफ
और के यूनिट वेक्टर, ठीक है, इसके ऊपर बार है तो इससे थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएट इसको इस तरह कर सकती हूँ. अब के कांस्टेंट है, सो उसका डेरिवेटिव जो है कांस्टेंट का वो जीरो होता है. अगर प्रोडक्ट रूल हम यूज करें तो कांस्टेंट इसका जीरो हो जाएगा. सो वी विल लेफ्ट विद के पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एफ आई प्लस इसके भी साथ वही होगा के पार्शियल बाय पार्शियल वाई एफ जे प्लस के पार्शियल बाय पार्शियल जी एफ और के यूनिट वेक्टर, ठीक है. तो ये हम इसको के कांस्टेंट ले सकते हैं. ये अगर मैं इसको थोड़ा सा लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स आई प्लस एफ ऑफ वाई जे प्लस एफ ऑफ जी के, जो कि है के और ग्रेडियंट ऑफ एफ. सो हमारे पास जो है वो कांस्टेंट मल्टीपल रूल से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये एग्जैक्टली वही है जो हम डेरिवेटिव की बात करते हैं और उसी तरीके से हम इसको डील करते हैं. सो दिस इज इक्वल टू के ग्रेडियंट ऑफ एफ वेयर एनी नंबर के, ठीक है, फॉर एनी नंबर के, और के जो है वो कांस्टेंट है. दिस इज नॉट फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी. सम रूल में क्या है, सम रूल में आप जब ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे एफ प्लस जी को तो एग्जैक्टली ये आपके पास पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल जी के जो है वो आपके पास आता है. और जब एफ प्लस जी करेंगे तो एफ प्लस जी का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इनका विद आई और सेकंड पार्शियल विद वाई और जे के साथ, फिर के जो है जी के साथ होगा विद के मल्टीपल. तो ये इक्वल हो जाएगा आपके पास ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस ग्रेडियंट ऑफ जी, ठीक है. ये हम आराम से प्रूव कर सकते हैं कि आपके पास क्या है, आपने जब ग्रेडियंट लिया एफ प्लस जी का तो आपके पास आ जाता है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी के ऑफ एफ प्लस जी, ठीक है. दिस इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स एफ प्लस जी आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई एफ प्लस जी जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी एफ प्लस जी के, ठीक है. ये आपके पास आ गया. अब इसको मैं लिख सकती हूँ पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एफ आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल एक्स जी एफ आई. अगर मैं चाहूँ तो मैं एक स्टेप बीच में और कर सकती थी, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स और फिर आई मल्टीप्लाई करती, फिर नेक्स्ट टाइम मैं इसको खोलती, लेकिन मैंने यहाँ पे एक स्टेप जो है वो मिस कर दिया है. आप इसको अगर आप कन्वीनियंट नहीं फील करते तो वो इन बिटवीन जो एक स्टेप मैं मिस कर रही हूँ उसको आप करके कर लीजिए. सो यू विल गेट एफ जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जी जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी एफ के प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी जी के. अब इनको मैं एफ की टर्म्स को इकट्ठा कर लेती हूँ तो पार्शियल एक्स बाय पार्शियल दिस इज एफ आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई एफ जे. मैं एफ की टर्म्स को इकट्ठा कर रही हूँ, ये हो गया, ये एफ की टर्म्स इकट्ठी हो गई, ये हो गई, ये हो गई और फिर ये हो गई, ठीक है. अब मैं जी की टर्म्स को इकट्ठा करूंगी तो इसको देखिए पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ जी आई, ठीक है, ये हो गई. दूसरी आपके पास इसको लिखते हैं पार्शियल बाय पार्शियल वाई जी एफ जे और फिर उसके बाद हम इसको लिखते हैं. आप देखिए सारी की सारी आपकी टर्म्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई, ठीक है. अब बाय डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ क्या है, दिस इज ग्रेडियंट ऑफ एफ और ये जो चीज़ है प्लस बीच में साइन है और ये सारी जो है ये डेफिनेशन है ग्रेडियंट ऑफ जी की.
सो आप इसको सम रूल को इस तरीके से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और बड़े आसानी से आराम से हो जाता है। इसी तरह से डिफरेंस रूल अगर आप देखें तो यहाँ पे प्लस के बजाय माइनस का साइन है, माइनस आपका यहाँ पे आपके पास जो है यहाँ पे साइन माइनस आएगा और आपके पास बाकी एक्सप्रेशन यही होंगे, सो यू विल गेट दिस थिंग। इसी तरह से या फिर आप इसको ऑपरेटर के साथ नेगेटिव साइन लगा सकते हैं, या इसमें आप यहाँ पे इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एफ प्लस माइनस जी। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इस पे अब सम रूल जो है अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास जो है आंसर इस तरह आता है। सो दिस विल बी इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ माइनस ग्रेडियंट ऑफ जी। सो आप डिफरेंस रूल को इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल में भी आप देखिए कि आपके पास क्या है कि आपके पास जब आप लेते हैं प्रोडक्ट रूल में तो आपके पास यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ तो ये मेरे पास है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ ये आपके पास ग्रेडियंट का ऑपरेटर की डेफिनेशन है और दिस इज एफ एन जी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आता है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स एफ जी आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल एक्स वाई एफ जी जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी एफ जी के। ठीक है, ये आपके पास है। अब ये जो चीज़ है ये आपके पास स्केलर है, यहाँ भी ये स्केलर है, ये आपने सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस पूरा कैलकुलस जो है फर्स्ट सिंगल वेरिएबल के साथ आपने ये सारे जो हैं ये प्रोडक्ट रूल वगैरह किए हुए हैं। सो आपके पास क्या आता है, ये आ जाता है एफ एक्स पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स और मल्टीप्लाइड बाय जी प्लस फंक्शन एफ एंड द डेरिवेटिव ऑफ जी, और इनके साथ आपके पास यूनिट वेक्टर आई आ गया। इसी तरह से आपके पास एफ वाई जी प्लस एफ जी वाई जे प्लस एफ जी जी प्लस एफ जी जी और के। ठीक है, ये आपके पास ऐसे आ गया। अब इनमें फिर हम ये करते हैं कि जो डेरिवेटिव वाले जी की टर्म्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं और इसी तरह से एफ की टर्म्स को भी हम इकट्ठा कर लेते हैं। सो मैं अगर एफ की टर्म्स को इकट्ठा करूं तो एक मेरे पास ये टर्म्स है टर्म है एफ में कॉमन ले लूं तो मेरे पास ये जी एक्स आई आ जाता है। यहाँ भी एक स्टेप मैं मिस कर रही हूँ, ये दूसरा टर्म है प्लस एफ मैंने कॉमन ले लिया तो जी वाई जे मेरे पास अंदर आ गया और यहाँ पे किया तो एफ फिर कॉमन ले लिया तो मेरे पास जी जी और के कॉमन आया। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी टर्म जो है मैंने जी को कॉमन ले लिया और जी की टर्म्स को इकट्ठा कर रही हूँ तो जी बाहर आ जाएगा और एफ एक्स आई फिर ये आ गया एफ वाई जे और ये फिर एफ जी के। तो ये आपके पास क्या आ गया एफ और ये क्या है ग्रेडियंट ऑफ जी प्लस जी और ग्रेडियंट ऑफ एफ। सो हमने इसके प्रोडक्ट रूल को इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। सो आपके पास प्रोडक्ट रूल के किसके इक्वल आया फर्स्ट फंक्शन इनटू द ग्रेडियंट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू द ग्रेडियंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फिर क्वोशेंट रूल है, क्वोशेंट रूल एग्जैक्टली उसी तरह से है जैसे हम सिंगल वेरिएबल की बात करते हैं, सिंगल वेरिएबल की डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। सो एफ ऑफ जी जो है हम यहाँ पे आप जो कर रहे हैं, ठीक है, अब हम एफ ओवर जी करेंगे तो ये आपके स्केलर है जो सिंगल वेरिएबल पे हमने अप्लाई किया था, यहाँ पे क्वोशेंट होगा सो एफ ओवर जी होगा। तो हर एक के साथ जो है वो आपके पास जो है वो डिनोमिनेटर स्क्वायर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर, जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और हमारे पास जो है वो क्वोशेंट रूल में भी जो है ये डिनोमिनेटर
मल्टीप्लाइड बाय द ग्रेडियंट ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू द ग्रेडियंट ऑफ द डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर स्क्वायर. एग्जैक्टली वही फॉर्मूले जो हमने डेरिवेटिव्स के हवाले से किए थे, वही फॉर्मूले जो हैं यहाँ पे भी होल्ड करेंगे, क्योंकि ये ऑपरेटर भी बेसिकली जो है वो आपको डेरिवेटिव्स ही कैलकुलेट करके दे रहा है. सो यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसको हम देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एंड जी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू थ्री वाई. सो हम इसको जो है करना है, क्या करना है, इलस्ट्रेट द रूल्स विद दिस दीज फंक्शंस. ठीक है, तो आपके पास ये फंक्शन है. सो पहला हमारा रूल क्या था कि हमारे पास कोई भी के कांस्टेंट फंक्शन है तो देन ग्रेडियंट ऑफ के एफ इज इक्वल टू के ग्रेडियंट ऑफ एफ, हमने ये प्रूव करना है. सो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई को एक कांस्टेंट के के साथ मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो मेरे पास के एफ क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू के एक्स माइनस के वाई. ठीक है, तो मैं अब इस पे ग्रेडियंट अप्लाई करती हूँ, तो ग्रेडियंट ऑफ के एक्स माइनस के वाई, ग्रेडियंट आपके पास क्या है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे, और इसको मैंने अप्लाई किया के एक्स माइनस के वाई पे. तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे पास आ जाता है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, दिस इज इक्वल टू के एक्स माइनस के वाई आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई के एक्स माइनस के वाई जी. जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स इसके साथ वन हो गया, के कांस्टेंट है, वाई हम यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, सो ये जीरो हो जाएगा. सो यहाँ पे ये मेरे पास के आई आता है, ठीक है, और प्लस, और जब वाई के साथ मैंने किया तो ये मेरे पास माइनस साइन के साथ मेरे पास जो है वो माइनस के जे आ गया. ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया के टाइम्स आई माइनस जे आ गया. ठीक है, और मैं ग्रेडियंट ऑफ एफ कैलकुलेट करूं तो मेरे पास क्या है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ एक्स माइनस वाई जे. तो दिस इज इक्वल टू आई माइनस जे. अब इसको देखिए और ये देखिए, ये आपके पास जो है एग्जैक्टली ये वैल्यू आ गई. सो दिस इज इक्वल टू के ग्रेडियंट ऑफ एफ. सो हमने इसको प्रूव कर दिया कि आपके पास जो था वो हमने के एफ लिया और के एफ को हमने इसके इक्वल प्रूव कर लिया. सो हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट किया था और ये हमारा इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया. सो हमें पहली जो प्रॉपर्टी थी वो हमने प्रूव कर ली. दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास एफ और जी ये फंक्शन गिवन है, सो ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस जी जो है दैट इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस ग्रेडियंट ऑफ जी, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है. सो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ, दिस इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस जी, ये हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ एफ, मेरे पास क्या है एक्स माइनस वाई, और प्लस जी है प्लस थ्री वाई. सो दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई. ठीक है, और ये मेरे पास यहाँ पे ग्रेडियंट का साइन भी मौजूद है. सो मैं इसमें अप्लाई करती हूँ, तो मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ यहाँ लिख लेते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एक्स प्लस टू वाई दिस इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एक्स प्लस टू वाई आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ एक्स प्लस टू वाई जे, एंड दिस इज इक्वल टू आई प्लस टू जे. ठीक है, आपके पास ये आ गया.
अब ये है कि ग्रेडियंट एफ तो हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे आई माइनस जे था, ग्रेडियंट ऑफ जी भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, हम ग्रेडियंट ऑफ जी कैलकुलेट करते हैं, तो दिस इज पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ 3y आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ 3y जे, तो ये आपके पास आ जाता है 3j। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है, एक आपके पास ग्रेडियंट जो है एफ की ये वैल्यू है और ग्रेडियंट जी की ये वैल्यू है, सो मैं इसको यहाँ पे लिख सकती हूँ कि आई, ठीक है, वेक्टर है, मैं इसमें एक जो है जे माइनस वन यूनिट मल्टीप्लाइड विद इन द डायरेक्शन ऑफ जे, मैं इसको माइनस कर लेती हूँ, जब मैंने माइनस किया तो मुझे प्लस भी करना है, तो जब प्लस किया तो 2 मेरे पास है, अब ये ऑलरेडी 3 हो गया, सो ये क्या है, दिस इज ग्रेडियंट ऑफ एफ, और यहां देखिए तो ये है ग्रेडियंट ऑफ जी, सो ये आपके पास क्या आ जाता है, ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस ग्रेडियंट ऑफ जी, ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि आपने इसकी राइट हैंड साइड प्रूव कर दी, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो आपकी ये राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। अगर सी को हम करें तो हम सी में माइनस जो है यहाँ पे सब्सिट्यूट कर लेंगे, ठीक है, आपके पास जो है माइनस ये होगा, तो ये जो है यहाँ पे माइनस साइन है, तो हमारे पास -4y हो जाता है, -4y को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो इसी तरीके से हम उसको बैलेंस करके तो हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सो मैं सी को छोड़ देती हूँ। उसके बाद हम डी का देखते हैं, डी हमारे पास क्या था प्रॉपर्टी में, डी हमारे पास क्या जो था फोर्थ था, प्रोडक्ट रूल था, एफ मल्टीप्लाइड बाय जे, सो हम उसको भी देख लेते हैं कि हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय जी जो आता है वो है ग्रेडियंट ऑफ एफ को मल्टीप्लाई किया जी से, तो आपके पास क्या आता है एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय 3y, दिस इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ 3xy माइनस 3y², ठीक है, जब आपने ग्रेडियंट इस पे अप्लाई किया तो ये हो गया पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ, मैं इसको यहाँ इसी तरह लिख लेती हूँ, अभी हमने प्रैक्टिस में काफ़ी कर लिया है, तो आई होप कि आपको मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है, पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ 3xy, अगर किसी को नहीं समझ आती तो प्लीज़ बच्चा आप लोग इसको दोबारा से देखिए, दोबारा से खुद बाय हैंड करके देखिए, तो आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे, सो मैं जब इसको डिफरेंशिएट करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू, जब एक्स कर रही हूँ तो ये वाला ये टर्म मेरी ज़ीरो हो जाएगी, तो यहाँ मेरे पास आ जाता है 3y i प्लस ये मेरे पास क्या आता है यहाँ से 3x माइनस 6y जे, ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ कि मेरे पास जो है ये यहाँ यहाँ मेरे पास जो है वो ग्रेडियंट एफ गिवन है आई माइनस जे और ग्रेडियंट ऑफ जी भी गिवन है 3j, सो मैं यहाँ से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3y आई प्लस 3x जे माइनस 6y जे, सो मैं यहाँ से इसको कैलकुलेट करूँ अगर मैं, तो मेरे पास x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई, तो यहाँ पे मैं इसमें से x माइनस वाई में से मैं यहाँ पे मेरे पास जो है वो फंक्शन जो है वो i के साथ में देखूँ तो मुझे इसमें सब्सटीट्यूट करना है, सो मैं क्या करूँगी कि मेरे पास जो है वो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है, और अगर मैं राइट हैंड साइड लूँ तो मेरे पास राइट हैंड साइड जो है वो मैं इसको इधर से सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ। दूसरा तरीका ये है कि हम जो दूसरी राइट हैंड साइड है अपने हमारी प्रॉपर्टीज की एफ ग्रेडियंट ऑफ जी प्लस जी ग्रेडियंट ऑफ एफ, उसको मैं अगर लूँ तो दिस इज एक्स माइनस वाई और ग्रेडियंट ऑफ जी मेरे पास क्या था 3j, ठीक है, प्लस
प्लस जी है 3y और ग्रेडियंट ऑफ एफ मेरे पास क्या था आई माइनस जे. सो मैं इसको लिख सकती हूँ 3x जे माइनस 3y जे प्लस 3y आई माइनस 3y जे. सो यहाँ से आप देखिए कि आपके पास 3y जे है और 3y जे है तो माइनस 6y जे है. सो हम यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरीके से देख के स्प्लिट कर सकते हैं कि आपके पास 3xj ये है और 3yi ये है. सो मैं इसको इस तरह से यहाँ से लिख सकती हूँ 3x, क्योंकि पहला मेरा फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई एक्स माइनस वाई, तो मैंने 3xj माइनस 3yj, यहाँ से मैं 3 ले लेती हूँ कॉमन, तो ये मेरे पास आ गया 3yj और प्लस इसमें से आप देखिए कि मैंने 3yi जो है ये वाला यहाँ से लिया 3yi आई और यहाँ से मैंने 3yj एक ले लिया तो मेरे पास दोबारा से 3yj भी अभी बचता है. सो अब ये दोनों जो हैं इनको आप देखिए तो आप इसको कर सकते हैं, ये आपके पास वही एक्सप्रेशंस आ गए. सो आप क्या करें, आपके लिए आसान ये होगा कि आप पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए. ठीक है, इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कीजिए और इस एक्सप्रेशन को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देन यू विल गेट दिस आंसर एंड विच इज़ इक्वल टू दिस ग्रेडियंट ऑफ दिस थिंग. सो आपके पास जो है ये दोनों तरीके हैं कि आप इसमें आप इससे करें और इन दोनों को आप अब मैच करें तो आपके पास यहाँ से आपको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको मिल जाती है. सो आप दोनों साइड से किसी भी साइड से आएँ तो आप इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करके और इसको करके आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इस तरफ से आप जाएँ तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आंसर मिलेगा. थर्ड जो है वो हमारा कोशेंट रूल है. कोशेंट रूल में आपके पास क्या है एफ जी, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ और इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दूँ तो मेरे पास ये आंसर सही आ जाता है. सो मैं एफ ओवर जी करती हूँ तो मेरे पास जो है वो, तो कोशेंट रूल के लिए हम क्या करेंगे, हम ऑपरेटर अप्लाई करते हैं जो लास्ट है वो है एफ ओवर जी, दिस इज इक्वल टू जी ग्रेडियंट ऑफ एफ माइनस एफ ग्रेडियंट ऑफ जी डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर. ठीक है, अगर हम इसमें जाएं तो हम देखें तो हमारे पास यही है ग्रेडियंट ऑफ एफ. और ये अब इसमें ये है कि आप चाहें तो इस तरफ से आइए या चाहें तो इसको ले लें. हम लेट अस से हम राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड देखते हैं पहले. सो राइट हैंड साइड आपके पास क्या है जी ग्रेडियंट ऑफ एफ माइनस एफ ग्रेडियंट ऑफ जी डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर. तो यहाँ मैंने पहले भी कैलकुलेट किया था ग्रेडियंट ऑफ एफ जो था वो आई माइनस जे आ गया था और ग्रेडियंट ऑफ जी जो था वो आपके पास 3j आ गया था. ठीक है, सो हमारे पास ये कैलकुलेट हुए हुए. सो जब मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगी तो जी जो है वो 3y है और ग्रेडियंट ऑफ एफ अब मेरे पास है आई माइनस जे और माइनस एफ है आपके पास है x माइनस वाई और ग्रेडियंट जी जो है वो 3j है डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर आपके पास क्या है 3y होल स्क्वायर. सो यहाँ से आपके पास जो है वो राइट हैंड साइड जो है वो क्या आती है, राइट हैंड साइड हम लेके चल रहे हैं सो 3yi माइनस 3yj माइनस 3xj प्लस 3yj डिवाइडेड बाय 9y स्क्वायर. सो आपके पास जो है वो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मुझे जो है वो 3x और 3yj
3yi, सो हमारे पास क्या है, मैं इसको कैलकुलेट यहाँ से देखिए, ये आपके पास आ जाता है, ये अब मेरे पास आ गया 3yi माइनस 3x j डिवाइडेड बाय 9y स्क्वायर। सो ये आपके पास जो है वो यहाँ से देखिए 3 y i माइनस एक्स जे डिवाइडेड बाय 9 y स्क्वायर। सो यहाँ हमारे पास आ जाता है i ओवर 3 y माइनस x ओवर y स्क्वायर 3 y स्क्वायर j। और अगर मैं यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ f ओवर जी लेती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, ग्रेडियंट ऑफ एक्स माइनस वाई ओवर 3 वाई, तो ये आपके पास आ जाता है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई ओवर 3 वाई आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई एक्स माइनस वाई ओवर 3 वाई जे। सो मेरे पास यहाँ से पार्शियल बाय पार्शियल एक्स जो है वो 1/3y i और माइनस x ओवर 3y स्क्वायर j आ जाता है। सो अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो मेरे पास एग्जैक्टली वही वैल्यूज आ रही हैं। सो मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया है। सो बच्चा यहाँ तक जो है वो हमारा आज का लेक्चर जो है, हम इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। और ऑब्वियसली हम अभी किसी आर्टिकल के एंड पे नहीं पहुँचे, सो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी इसको कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।